नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को अपने लाइफस्टाइल में किन चेंजेस को करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सफ़ेद दाग के पेशेंट बनते हैं आपका एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, सोसाइटी आपके बारे में कुछ बोलने लगती है तो आपको उससे भी दिक्कतें होने लगती हैं, और सोसाइटी का बोलना आपके लिए गलत भी होता है क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करती है सोसाइटी जो एक्सेप्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो ऐसे में आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए जिससे आपका मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में बनने वाले मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपकी स्किन पर आपको सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर आपको काम क्या करना है, यहाँ पर आपको आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। आपको उन विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी बॉडी में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो सबसे पहले आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में अर्ली मॉर्निंग में धूप लेने की आदत जरूर डालनी चाहिए। धूप से यहाँ मेरा मतलब यह है कि अर्ली मॉर्निंग, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप 6 से 7 बजे तक, 8 बजे तक की धूप ले सकते हैं। अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उस समय आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आपको धूप सुहानी लगती है, मतलब अच्छी लगती है वो धूप, तो आप उसको ले सकते हैं, सनबाथ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है जिससे जलन हो रही है आपकी स्किन में, तो आपको वो धूप नहीं लेनी। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी की फुलफिलमेंट होगी। और सर्दियों के मौसम में आप किसी भी समय धूप ले सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप नहीं होती। वहीं आपको आपके लाइफस्टाइल में दूसरी चीज़ जो करनी है, आपको सनस्क्रीन, सन ब्लॉक क्रीम का इस्तेमाल करना है जिससे आप अल्ट्रा वायलेट रेज से बचे रहें, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी स्किन में कैंसर डेवलप कर सकती हैं अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी में जाती हैं। क्योंकि जब आप विटामिन डी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं या बाथ लेते हैं, तो उस समय अल्ट्रा वायलेट रेज भी आपकी स्किन पर जा सकते हैं, और जहाँ आपकी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्ट कम है तो वहां डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें या सन ब्लॉक क्रीम्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप कोशिश करें कपड़े ऐसे पहने जो कॉटन के बने हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो। आप ऐसे कपड़े ना पहने जिससे आपकी स्किन पर रैशेज आए, क्योंकि रैशेज की वजह से भी आपका विटिलिगो एग्रीवेट हो सकता है। और इसके बाद जो आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना है वो है आपकी डाइट से रिलेटेड। आपको आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट को इंक्लूड करना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है और ऐसे में अगर आप कुछ भी गलत खाते हैं तो उसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो सकता है। आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हों, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होने की वजह से आपके मेलानिन को प्रोडक्शन में मदद मिलती है, और साथ ही आप एंटीऑक्सीडेंट रिच के लिए आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं। इनमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो हल्दी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इसमें भी आप देखेंगे बहुत अच्छी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। आप अखरोट खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। आपको कोशिश करनी है आप खट्टे फलों को अवॉइड करें व्हाइल यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोशिश करें आप खट्टे फल को अवॉइड करें। हालांकि आपकी डाइट पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाती है, कुछ पेशेंट्स में खट्टे फल भी अलाउड होते हैं, कुछ पेशेंट्स में खट्टे फल अलाउड नहीं होते, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने वाली चीज़ है। लेकिन एक जनरल सिनेरियो में हम बात करें तो खट्टे फलों को आपको अवॉइड करना होता है जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। इसके साथ ही आपको इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अवॉइड करना है। अपने लाइफस्टाइल में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो आपके शरीर में सूजन बनाए, जैसे जंक फूड है, हाई शुगरी फूड्स हैं, क्योंकि अगर आप इनका इनटेक करते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है और रैपिडली आपकी बॉडी में मेलानिन का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका विटिलिगो एग्रीवेट होगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं या इन चेंजेस को अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं तो इसकी मदद से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वहीं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी बहुत काम करना होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग योगा कर सकते हैं, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी खाने का मन करता है, जैसे सपोज आप कुकिंग करते हो, उससे आपको स्ट्रेस फ्री लगता है, महसूस होता है, तो आप
कुकिंग भी कर सकते हैं। आपको अपनी कोई एक ऐसी एक्टिविटी को पहचानना होगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस होता है, क्योंकि विटिली को बढ़ाने में आपका स्ट्रेस भी बहुत बड़ा काम करता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आप इन सभी लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका विटिली को बढ़ेगा नहीं, वो जल्दी ठीक होगा। इसके साथ साथ आपको एक ट्रीटमेंट को भी ऑप्ट करना होता है। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। वहीं साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। यानी जो आपके सिम्टम्स हैं, जो रूट कॉज है आपके विटिलिगो का, उस पर काम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती हैं, जो हमें दूसरे होम्योपैथिक सेंटर से अलग करता है और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं, विटिलिगो से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप सीधा नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।